How are you, Sana? I'm very good. How are you? First of all, very congratulations to you from KIPS. Thank you so much. और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है आपने और शिकारपुर का नाम रोशन कर दिया आपने इस वक्त पर. और कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी अभी इस टाइम पर, कैसा फील कर रही हैं आप? देखिए, अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूंकि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ और पहली जो है आई एम अ फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ज्वाइन द एलीट कैडर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो मुझे कुछ ज्यादा ही अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी गुड, मजा आ रहा है. दैट्स ग्रेट. और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं आपसे जानने के लिए, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने किस तरह से प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपने इतनी अच्छी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है. तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जानना चाह रहे हैं. और सबसे पहले तो मैं अपने कैंडिडेट से कहूंगी, क्योंकि अभी शायद हम लोग लाइव, हम देखिए, फेसबुक पे लाइव मैंने जा जो चुके हैं. जी एम जी आई ऑडिबल मैडम? यस 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 ओके, तो देखिए, मेरी जो तैयारी थी वो कोई 3-4 साल नहीं की थी मैंने, 6-7 महीने की थी मेरी. आई वाज डूइंग प्रिपरेशंस ऑफ सीएसएस अलोंग विथ माय एफसीपीएस ट्रेनिंग. आई नेवर क्विट माय ट्रेनिंग. तो मेरी जो जॉब नहीं थी, मेरी ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग इज ओके काइंड ऑफ टफ देन अ जॉब, क्योंकि उसमें पढ़ना भी होता है, उसमें आपको अपना, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ तो मुझे अपना सर्जरी के लिए भी पढ़ना होता था, मेरा वार्ड भी देखना होता था, सीएसएस के लिए भी पढ़ना होता था. फिर मैं रहती भी हॉस्टल थी उस टाइम, घर भी नहीं था, तो सारी चीजें मैनेज करके भी मैंने आई टुक नॉट मोर देन 7 मंथ्स. तो दैट्स ये ग्रेट. मेरा, तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है आप 6-7 साल तैयारी करोगे, 3 अटेम्प्ट दोगे, तभी आप कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है. सीएसएस इज मेरे हिसाब से, आई एम अ मेडिसिन स्टूडेंट, तो मुझे पर्सनली, मुझे ज्यादा लगता था कि एमबीबीएस ज्यादा टफ है देन सीएसएस. तो अब यहाँ पे जो दूसरे लोग होंगे, शायद वो मुझे जो है ना वो कहेगी कि नहीं, ये तो पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन इट्स ट्रूथ. सीएसएस इज नॉट टफ, सीएसएस इज ट्रिकी. सीएसएस ट्रिकी, का राइट. कोर्स छोटा है एमबीबीएस से. सीएसएस इज ट्रिकी. व्हेन यू गेट द ट्रिक, सीएसएस बिकम्स इजी. जो मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने इतनी, मेरा जो टाइम ड्यूरेशन होता था पर डे, मैं 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ती थी, ये पक्की बात है. आखिरी महीने सिंस दिसंबर टू फरवरी, जब इम्तिहान आने वाला होता है, तब मैं पढ़ती थी दिन में 12-14 घंटे. लेकिन जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, रफली मई में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, 2019 मई में, तो उस टाइम मैं 3-4 घंटे पढ़ती थी. फिर जुलाई ऑनवर्ड्स मैंने 5-6 घंटे कर दिया. उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स, जब तक एग्जाम्स थे, मैं पढ़ रही थी 12-13 घंटे. इतना ओ कोई है नहीं रॉकेट साइंस, हमने हाइप क्रिएट किया हुआ है, ऐसा है कुछ नहीं. लेकिन अब जो मेरे दूसरे कुलीग्स होंगे जो मेरे साथ पास हुए हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो जो है नहीं, हमने तो टाइम लगा है. देखिए, स्ट्रेटेजी आपको समझ आ जाती है तो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट भी पास कर सकता है, सेकेंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है. जिसको समझ नहीं आएगी, वो ना फर्स्ट कर सकेगा, ना सेकेंड कर सकेगा, ना ही वो थर्ड कर सकेगा. सारा मसला है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो. और स्ट्रेटेजी भी, चलो मैंने आई थिंक पॉज हो गई है वीडियो. सो गाइस, डॉक्टर सना हमारे साथ ही है, आप लोग भी साथ ही रहिएगा हमारे. और इसके साथ साथ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, देन वी विल आंसर एवरीवन वन बाय वन. ऑल राइट, स्टे विथ अस, हमारे साथ रहिएगा. मिस सना भी हमारे साथ ही हैं और थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करती हैं. इसके साथ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं. जी मैम. जी सना, हाँ, तो मैं सना बता रही कैन यू थी. हियर मी?
जी सर ना वी हैव अनलिमिटेड क्वेश्चंस फॉर यू और हमारी स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ वुमन एज अ गर्ल. आप लाइक मतलब आप इतनी माशाल्लाह से स्ट्रांग गर्ल हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इतनी टफ जॉब के साथ आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, तो ये हर हमारे जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो वो जानना चाहेंगे कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से की और किस तरह से आपने तैयारी की. स्टेप बाय स्टेप हम इस पर बात करेंगे और साथ साथ में हम स्टूडेंट्स कमेंट्स पे लेंगे. जाहिर सी बात है आप एक ब्राइट स्पार्कर स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कुछ इस तरह के सवाल करूंगी, तो वन बाय वन हम लोग इसके आप आंसर्स दीजिएगा. ठीक है सर? सर ना टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए मेरी इंटर तक इंटरमीडिएट तक एजुकेशन है फ्रॉम अ रूरल विलेज ऑफ शिकारपुर, और एक जो टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल की जो कंडीशन थी वो मेरे स्कूल की वही थी. हमारे पास हम सुबह जाते थे, दोपहर तक कोई टीचर नहीं आता था, हम वापस आ जाते थे. और ट्रस्ट मी आई स्टार्टेड रीडिंग एबीसी फ्रॉम माय सिक्स्थ क्लास. मैं सिंधी मीडियम में पढ़ी हूँ टिल फिफ्थ क्लास, और आई डू नॉट रिग्रेट इट. मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है, क्योंकि मेरे विलेज में कोई प्राइवेट स्कूल तब अवेलेबल ही नहीं था. अगर होता तो मेरे पेरेंट्स शायद मुझे एनरोल कर देते. मैं क्यों बताने लगी हूँ ये, क्योंकि मैं कहना चाह रही हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पुअर है. मेरा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी आप स्टिल आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा ग्रुप भी ले सकते हो. ये जरूर आपने लिया, आप एग्जाम्पल सामने बैठी हुई है, आपने किया, आपने लिया ये. यस, तो ये है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, इट्स इम्पोर्टेंट. अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो हेल्प होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं. अच्छा, नहीं नहीं ग्रेट ग्रेट. व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स क्रैकिंग द सीएसएस एग्जाम्स? क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि मोस्टली आपने देखा है बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें फेल होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट फ्लंक इन द एग्जाम्स, व्हाई? यार देखिए, स्ट्रेटजी मेरा जो पर्सनली ख्याल है कि जो सीएसएस के अंदर है मेंटोरशिप बहुत ज्यादा उसका, मैं पर्सनली मानती हूँ, बहुत ज्यादा रोल है. आपको एक भी बंदा सही गाइड करने वाला मिल गया जो आपको सही जो नो रास्ता बताता है कि इस तरह जाना है, ये किताबें पढ़नी है, तो आप कर सकते हो. सातवीं स्टूडेंट होती थी दूसरी कुछ, तो उनका तरीका ये था कि वो मुझसे भी पूछ लेंगी, आपसे भी पूछ लेंगी, जो मिलेगा, जो सीएस भी मिलेगा उसकी जान नहीं छोड़नी, हमने सबसे पूछना है. तो इसमें क्या होता है कि बंदा एक एज अ ह्यूमन, मैं डॉक्टर भी हूं, तो एक बंदा इतनी चीजें अडॉप्ट कर ही नहीं सकता, वो फंस जाता है, वो इंटेंगल हो जाता है. तो एक ही बंदा हो, एक ही टीचर हो, एक ही उस्ताद हो, कोई जरूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करें ठीक तरीके से. और आपको वो अगर रिलीजियसली गाइड कर रहा है, जैसा कि आप लिखो, आप चेक कराते रहो, वो आपको ठीक से बताए आपकी गलतियां क्या हैं, फिर आप उन गलतियों को करेक्ट करो, फिर उसे कंफर्म करो कि ये गलतियां आपने जो बताई थी वो मैंने ठीक कर दी है. ये तरीका था. कोई भी मतलब बगैर मेंटरशिप के मेरा नहीं ख्याल के सीएसएस पास हो सकता है, क्योंकि जब मैं लिखती होती हूँ मुझे नहीं पता कि मैं सही लिख रही हूँ या नहीं लिखती. डॉक्टर्स की इंग्लिश बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा डिजास्टर होती है, उनको ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है, क्योंकि हमारा एमबीबीएस में कोर्स नहीं है. तो मुझे नहीं पता कि मैं सही लिख रही हूँ गलत लिख रही हूँ, अनलेस मैं किसी से चेक कराती हूँ. सीएसएस सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीएसएस का इम्तिहान एमसीक्यू नहीं है, रिटन है. और मैं दूसरे जो मेरे कलीग से जो रह गए हैं वो नहीं कर पाए मेरे साथ, या अभी उन्होंने 2020-21 में दिया है, तो वो पढ़ते बहुत हैं, लिखते नहीं है. मेरा जो हाफ डे होता था सिंस माय फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, मैंने हाफ डे डिवाइड किया होता, मैंने पढ़ना है, हाफ डे जो है मैं लिखती थी, और लिखती लिख के रख नहीं लेती थी, मैं लाजमी चेक कराती थी. फिर कभी ये होता था कि आपको कोई नहीं मिलता चेकर, बड़े मसले होते हैं क्योंकि आपको नोबडी इज अवेलेबल ऑल द टाइम, लेकिन आपने चेक कराना है. आपको नहीं पता चलता कि मैं गलतियां कर रही हूँ, तो
वो ठीक है या नहीं है तो लाजमी चेक कराएं किसी ना किसी से। जी नहीं नहीं बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, एग्री कर रही हूँ आपको मैं 200% कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो किप्स के अंदर स्टूडेंट आते हैं, तो हमारे पास अब यहाँ तक तो हेल्प डेस्क, हर सब्जेक्ट के लिए हेल्प डेस्क अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब कि स्टूडेंट अनलिमिटेड असाइनमेंट चेक करवा सकते हैं वहां पर, और इवन कि हम खुद स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि आप लोग लिखें, लिख कर चेक करवाएं, यही आपकी लेकिन यही नहीं लिखते प्रैक्टिस है, वो, ये नहीं मेरे मेरा लिखते, मैंने देखा ये है। बिल्कुल देखा है आपने, बिल्कुल स्टूडेंट नहीं लिखते, वो पढ़ते जाएंगे एंड पे, एंड ऑफ द डे क्या होगा, इतना उनपे बर्डन हो जाता है, इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि एकदम से 12 सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। यही होता था जब मैं क्लास में थी, तो मैं जब क्लास पूरी होती थी या क्लास होने से पहले कोई टीचर आता होता था, मोस्टली देवर ऑलरेडी द सीएसपी, तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती थी। वो आती थी, मैं उनको हाथ में कुछ ना कुछ डेली पकड़ा देती थी कि और मेरी क्लास में 70 स्टूडेंट्स थे उस टाइम, कोई नहीं कराता था। वो सब कहते थे सिर्फ तुम ही क्लास में, तुमने ही एग्जाम देना है। तो मेरा मकसद ये है बताने का कि जो चेक कराता है वो पास कर जाता है। मैं खड़ी हो जाती थी, उनको पकड़ा देती थी, फिर वो महीने महीने कभी कभी गुम हो जाता था मेरा लिखा हुआ ऐसे। लेकिन अच्छा ये भी होता था कि कभी कभार हमारे टीचर्स मिसप्लेस कर देते थे, मैं उसकी फोटोकॉपी करा के रखती थी, फिर उससे उनसे मिसप्लेस हो गया तो मैं दूसरे टीचर को पकड़ा देती थी। लेकिन ऐसा कोई भी डे नहीं था जिस दिन मैं अकेडमी बगैर कुछ लिखे जाती थी। नहीं ये ये तो तरीका बहुत है, अच्छी आप बात शॉर्ट है, ड्यूरेशन बहुत में अच्छी आप आपने सीएसएस कर बताई है ये सकते हो। चीजें, जी बिल्कुल यही आपने स्ट्रेटेजी जिस है तरह कि से आपने तैयारी की शॉर्ट है। ड्यूरेशन में करना है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट कैन फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेस, यही मेन प्रॉब्लम थी क्या? यार मेरा जो पर्सनल ख्याल है, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो कुछ की जॉब होती है। मैंने अपने खुद से मैंने फेस की है। आप मुझे आपका जो वर्क प्लेस है, मेरा वार्ड होता था, मुझे वहां पे डांट पड़ती थी, कभी लेट हो जाती थी, कभी जल्दी निकल आती थी, वहां पे क्रिटिसिजम्स होते थे। अगर खुदा ना खासा वहां पे किसी को आपके वर्क प्लेस पे पता चल जाए कि ये बंदा सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो वो आपका जीना आराम कर देते हैं। मेरा किया हुआ था, जो अच्छा मुझे सुन रहा है अपोलोजाइज, लेकिन आपका जीना आराम हो जाता है। फिर वो आपसे ज्यादा आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर बंदा थोड़ा सीनियर है जैसे मैं हूँ, तो उसको वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। सेकेंड है ओके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में आई अर्न वेरी गुड, तो जो मुझे बुक चाहिए होती थी मैं जाती थी ले आती थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि आई कुड अफोर्ड इट इजिली बिकॉज आई वॉज अर्निंग। तो स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते, फिर वो अपने पेरेंट्स से लेने में हेजिटेट करते हैं, पेरेंट इतनी ज्यादा अकेडमी की फीस होती है, फिर कुछ बच्चे वो नहीं करते, कुछ के पेरेंट्स नहीं उनको, तो ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये है कि आप जो है ना, हम इंटरनेट का यूज नहीं करते सही से, हम इंटरनेट इंटरनेट का का यूज यूज नहीं सही से करते नहीं हम लोग, करते। हम लोग गलत चीजों में इंटरनेट का यूट्यूब यूज करते हैं। YouTube जो है ना, एक जादू की छड़ी है सीएसएस के लिए। एग्जैक्टली YouTube आप पकड़ लो, आप सुकून से बैठ के कमरे में तैयारी कर सकते हो अगर आपको YouTube सही यूज करनी आती है तो। नहीं, तो अभी सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, अभी हम नो इंटरनेट प्रॉब्लम। की जिस तरह से आपने बात की है, तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो ऐप लॉन्च किया है, हम लोगों ने LMS ऐप लॉन्च किया है, वह उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐप डाउनलोड करना है, और उसके अंदर आपका पूरा CSS एक ऐप के अंदर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि FPSC ने सिलेबस मेंशन किया है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर उस ऐप के अंदर है, दैट्स इट। घर बैठ के आप आराम से पूरे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब CSS की तैयारी करना इतना मुश्किल हो गया है कि आपको यहाँ से वहां ट्रेवल करना है या कुछ करना है, आप घर बैठ के CSS कर सकते हो, दूसरी अभी बात हम लोग इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ये बात थी कि मुझे, मैं जब MBBS पढ़ती थी वहां पर मेरे सीनियर्स थे, वो सारे लाहौर गए थे, तो ये मेरे माइंड ने बिठा दिया था जब तक कोई सिंध का बंदा लाहौर नहीं जाता वो कर ही नहीं सकता। मैंने लाहौर की कभी कोई शक्ल नहीं आपने देखी, मैं करके डर गई। दिखाया, मैंने आपने करके दिखा दिया। ये दूसरा मिथ है कि आपने लाहौर जाना है फिर आपने फिर ही आप सीएसएस कर सकते हो। लाहौर इस्लामाबाद जी जाना ही जाना है, नहीं जाना जाना ही भाई, नहीं जाना जाना, जरूरी नहीं नहीं, है। ये बात नहीं, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि लाहौर जाके हम तैयारी करेंगे, हम यहाँ एडमिशन लें, तो मैंने कहा जब कोई आपकी जरूरत नहीं, रिहाइश यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, जब आपको ये सारी चीजें हम यहाँ दे रहे हैं, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, सारी चीजें यहीं करो आप।
हमने जस्ट आपको एक गाइडलाइन देनी, पढ़ना तो आपने खुद ही है ना, तैयारी तो आप खुद करनी है, तो हमारा काम है मैं यहाँ गाइडलाइन पे देना। एक्चुअली मिथ्स ही जो है ब्रेक करने के लिए मेरा कोशिश यही था. मैं कुछ दिन पहले दूसरी जगह भी गई थी, तो सबसे पहले कि ये है कि बंदा जॉब के साथ नहीं पढ़ सकता, ये गलत है. बंदा जॉब के साथ पढ़ सकता है. बंदा सिंध का है तो सिंध में अपने कमरे में बैठ के सुकून से तैयारी कर सकता है, उसको लाहौर इस्लामाबाद जाने की नीड नहीं है. जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर नहीं जाए तो भी कर सकता है. तीसरा मिथ ये है, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो आप नहीं कर सकते. तो ये तो मैं तो इसको बिल्कुल फालतू चीज मानती हूँ कि आप कर सकते हो. मैंने अपने CSS एग्जाम से बहुत ज्यादा मिथ्स को जो है वो क्रैक किया है. आई पर्सनली फील इट. तो टेक अवे मैसेज मेरा यही होगा बाय द एंड ऑफ द सेशन कि आप नैरेटिव को चेंज करें. जरूरी नहीं है कि जो सब करते हैं वही आप करो फिर ही आप बन सकते हो. मैंने कोई उनका ट्रेंड नहीं फॉलो किया. मैं लाहौर नहीं गई, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, फिर भी मैं कर गई. अपना आप कितना कुछ भी हो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता अनलेस आप खुद ना पढ़ो. लाहौर जो लोग जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वो सारे तो पास नहीं होते ना. उनमें बिल्कुल से भी बिल्कुल तो सही कुछ कह ही रही पास हैं। होते हैं. तो जरूरी आप लाहौर पहुंचोगे और आपका CS हो जाएगा, ये नहीं है. वो वापस तो फिर आपने इधर ही आना है ना, वहां से आप पढ़ के आ रहे हो तो तैयारी फिर दोबारा आपने आकर फिर खुद ही पढ़ना है, एंड ऑफ द डे आपने खुद ही पढ़ना है। खुद एग्जाम ही में फिर पढ़ना है, आपने अकेले ही बैठना है, कोई अकेले आपके ही साथ बैठना. नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। आपकी क्या मेथोडोलॉजी स्टडी थी, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर? यार मैंने आपको बताया कि मैंने तैयारी स्टार्ट, मैंने 2020 फरवरी में इम्तिहान दिए थे और 2019 मई में मैंने फॉर्मली पढ़ाई करना स्टार्ट किया था. मैंने सबसे पहले ऑप्शनल से शुरू किया था. इट वाज माय रिवर्स स्ट्रेटेजी. एवरीबडी स्टार्ट्स विद पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात. ठीक है वो भी इस्लामिया जनरल तरीका साइंस। गलत नहीं है, लेकिन आप मुझसे अपनी स्ट्रेटेजी पूछ रही हैं तो वो मैं बताऊंगी कि मैंने पहले IR स्टार्ट किया था. IR मैंने पढ़ा था जॉन बेलेस से. मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, ऐसा नहीं था मैंने टॉपिक्स करे थे. मैंने सही से पूरी किताब पढ़ी थी, मैंने महीना लगाया. उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट मैंने किया था US हिस्ट्री. तो US हिस्ट्री में आपको किताबें अच्छी नहीं मिलती. फिर मैंने एक मोटी सी किताब मैं ले आई, मुझे समझ नहीं आई. और बंदा आप अपने रूम में अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी कहीं, मेरी जॉब थी. तो फिर वो मैंने रख दी. फिर मैंने थर्ड जो लिया था वो जेंडर स्टडीज लिया था. तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरी बात जो है वैल्यूएबल शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जेंडर स्टडीज के लिए 25 डेज पढ़ा था बिल्कुल ठीक से. मैं किताबें ले आई, मैंने जो है नोट्स बनाए थे और फिर मेरा सब्जेक्ट पूरा हो गया. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब्जेक्ट मैं एग्जाम में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी और अगर ये मैं लेती हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगी. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया है कि वो कहते हैं अब सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया है और बस ठीक है यही है. मैंने बाय द जब मेरे फॉर्म्स फिल हो रहे थे अक्टूबर में, मेरा सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड था, मैंने चेंज कर दिया. आई टुक जूलॉजी इंस्टेड ऑफ जेंडर स्टडीज, क्योंकि वो 25 डेज आपके वेस्ट हो जाए कोई टेंशन नहीं है. आप दूसरा 25 डेज आप दूसरे सब्जेक्ट को दे दो, फेल होने से तो बेहतर है जेंडर स्टडीज आपका फेल हो जाए और आप मेरे सारे 11 सब्जेक्ट्स पास हो जाए. तो फिर मैं तो फिर तो रोऊंगी बैठ के कि मैं मुझसे गलती हो गई. अगर मुझे पोटेंशियल पता था कि मैं ये चीज नहीं लिख सकती, अगर मैं सही समझ नहीं सकती, चलो मैंने समझ भी लिया है तो मैं उसको सही लिख नहीं सकती, तो फिर मैं कैसे ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट तैयार किया हुआ है. तो फिर तो मैंने फेल ही होना है. चलो मैं फेल नहीं हो रही, 33 पे मैं 34 पे पास हो गई हूँ, फिर मेरा स्कोर नहीं आएगा. स्कोर नहीं आएगा तो मुझे अच्छा ग्रुप नहीं मिलेगा. तो फायदा क्या है फिर CSS देने का अगर आपको ग्रुप ही अच्छा नहीं मिलता. तो आपने हेजिटेट नहीं होना, सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो. आप डिसाइड कर लो समझ नहीं आता, चेंज इट. इट इज गुड आइडिया टू चेंज अ सब्जेक्ट देन टू रिग्रेट आफ्टर फेलिंग द सब्जेक्ट. सो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अपना टेस्ट देखो. आप मैं बोलूंगी नहीं बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज क्रिमिनोलॉजी, मेरा आपका टेस्ट ही डेवलप नहीं होता उसमें, क्योंकि जनरल स्टडीज सारा पाकिस्तान लेता है और जूलॉजी मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेता होगा.
नहीं, वो आपका बैकग्राउंड मैटर करता है ना, कि आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसके अंदर 100% आप एफर्ट्स कर रहे हो, इसमें जो ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड उसमें आपको 50% एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स का पे ड्राइंग अच्छा होता है, उनको रटे मारने का एक्सपीरियंस होता है. तो मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट स्विच कर लिया और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे जूलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे. तो मकसद ये है कि आप अपना टेस्ट देखो, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो. कोई भी बोले, सीएसपी बोलता है, कोई बहुत ही ज्यादा सीनियर सीएसपी वो भी बोलता है कि आप ये सब्जेक्ट ले लो. तो मैं बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप उसकी ना माने. स्टूडेंट्स को हम मैं भी यही बोलती हूँ कि आपने पढ़ना है, उन्होंने आपको पढ़ के नहीं देना है, आपने खुद पढ़ना है, आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. जो आप पढ़ सकते हो आप वही लो. मैंने जूलॉजी ले लिया है तो मैं सब बच्चों को बोलूँ आप जूलॉजी ले लें, तो ये तो ब्लंडर है. ब्लंडर है, मेरा टेस्ट है, दूसरों का नहीं. आप टेस्ट अपना खुद जज करो, सिलेबस देखो, पास्ट पेपर देखो, खुद सब्जेक्ट डिसाइड करो. मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मैं जेंडर स्टडीज से जूलॉजी में स्विच करूं, मैंने खुद जाके देखा कि मैं जूलॉजी को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकूंगी और मेरा स्कोर आएगा और स्कोर ही मुझे अच्छा ग्रुप दिलाएगा. तो ये चीजें आप ना अपना, अगर किसी का बिजनेस है बैकग्राउंड तो आप लो उसके सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी आपका बैकग्राउंड है. मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ लें, आपको बहुत अच्छा स्कोर देता है. स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं द प्रॉब्लम विथ इज अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज. इसका मेरे पास एक ही सलूशन है. जो मैंने, मुझे फील होता था कि लोग, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मई में जून में, तो मैं अखबार बहुत पढ़ती थी. अखबार ये होता था मेरे फोन में एप्स डाउनलोडेड थे, मैं वार्ड जाती थी, वॉक पैदल जाती थी, पट्टी जाती थी फोन में. तो लोग मुझे कहते थे आप ऊपर देखें, आपको कुछ हो जाए, आपको कोई बाइक वगैरह ना लग जाए. लेकिन मैं पढ़ती रहती थी, मैं ट्रैवल करती थी, मैं पढ़ती रहती थी, मैं खाना खाती थी, चाय पीती थी, सोते वक्त मैं पढ़ती रहती थी. मैंने अखबार एक्सट्रीमली ज्यादा पढ़ी है. मैंने मई ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द, मेरा इम्तिहान था 12 फरवरी को, 11 फरवरी तक मैंने पढ़ाया अखबार. मैंने अखबार एक दिन भी नहीं छोड़ा था और मैं पढ़ती थी एक्सप्रेस, ट्रिब्यून और डॉन. एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, मैंने कुछ भी हो जाए मैं रिलीजियसली पढ़ती थी. जैसे आप डेली प्रे करते हो ना कि करना है, तो अखबार आपने ऐसे पढ़ना है सीएसएस के लिए. तो सबसे पहले ये तरीका है कि आप, और फिर आप अखबार लोग बहुत पढ़ते हैं फिर भी वो लिख नहीं पाते. तो मेरे टीचर होते थे सखर में, क्योंकि मैं सखर से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सना, जितना आप पढ़ोगे इवेंचुअली योर राइटिंग विल रिफ्लेक्ट इट, कि इसने पढ़ा हुआ है. दो बंदे हैं ए और बी, एक ने, ए ने बहुत पढ़ा है और बी ने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ता इतना, तो दोनों लिखेंगे तो रिफ्लेक्ट करता है. फिर आप, वो एक चीज बाय डिफॉल्ट आ जाती है. मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, मैं मैगजीन्स पढ़ती थी, मैं वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन पढ़ती थी, मैं कोई मैगजीन नहीं छोड़ती थी, मैं अखबारें पढ़ती थी, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी. तो इस तरह से आपके आइडियाज बिल्ड होते थे. यस यस आई कैन हियर यू. यस बट हाउ टू क्रैक एसे. और दूसरी आ है स्टूडेंट आपसे पूछना चाह रहे हैं हाउ टू क्रैक एसे. हाँ देखिए, यही अगेन यही है, अखबार बहुत पढ़नी है. अच्छा, मेरा जो ऐसे था आपके, वो कहते हैं कि उससे आप ना लिखें, उससे फिर फेल हो जाता है बंदा. मेरा ऐसे था टूरिज्म पोटेंशियल इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये मैंने एक बहुत ही कॉमन मैगजीन है पाकिस्तान में, वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन, पूरा पाकिस्तान जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, मैंने उससे तैयार किया हुआ था. जो बना बनाया मटेरियल था मैं वहां पे लिख के आई थी और मेरा ऐसे पास हो गया. तो ये नहीं है कि वहां पे ऐसे, जो मेरी जजमेंट है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, उससे ज्यादा सीनियर टीचर्स है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि वहां पे सिर्फ आपकी नॉलेज जज नहीं हो रही ऐसे में. आप लिखते कैसे हो, आपका ग्रामर ठीक है, आपको, यस
आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको लिखना आता है, आपके ऐसे में कोहरेंस है, आप कैसे पैराग्राफ को स्टार्ट करते हो, कैसे डेवलप करते हो उसको, फिर कैसे कंक्लूड करते हो, आप आउटलाइन कैसे बनाते हो, हर चीज मैटर करती है। ये नहीं करती कि सिर्फ इस बंदे की नॉलेज कितनी है। नॉलेज मैं पर्सनली आज भी बिलीव करती हूँ, मुझे अच्छा ग्रुप भी मिल गया, मेरा इंटरव्यू भी पास, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी एक कॉमन एस्पिरेंट के पास होती है। मेरी प्रेजेंटेशन, मैं मानती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन लिखने की बहुत अच्छी है और उसी ने मुझे पास कराया। तो सिर्फ नॉलेज, मेरा नहीं ख्याल कि आप बहुत, आपके पास नॉलेज है और फिर आप पास हो जाओगे, तो हो नहीं सकता ये। आप गलत ग्रामर लिखो, आपको लिखनी नहीं आती इंग्लिश, आपकी राइटिंग समझ नहीं आती आपको, चलो इंग्लिश भी ठीक लिखने आ जाती है, आपकी राइटिंग समझ नहीं आती किसी को, आप क्या लिख रहे हो, कि राइटिंग बहुत बुरी है, मेरा नहीं ख्याल वो बंदा पास होगा। ठीक है, आप एक केजी के बच्चे जैसी राइटिंग लिखते हो, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ, बंदा पढ़ के समझ सकता है, तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन समझ ही नहीं आएगा फिर। और दूसरी बात, ये पता नहीं स्टूडेंट्स का क्या मसला है, हम उनको लगता है कि हम ज्यादा मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत हेवी हेवी, तो फिर फ्लावरी इंग्लिश एग्जामिनर कहते मार्क्स हैं ना, होगा। वो कहते हैं फ्लावरी इंग्लिश लिखने हैं, तो हाँ, इवन के हम फ्लावरी ये और कह रहे होते हैं सुपरफिशियल, कि इसका कोई फायदा नहीं है आपको, इतनी तो मुश्किल वो मेरे इंग्लिश ख्याल में, का नहीं है फायदा। मेरे ख्याल में पास नहीं करेगा वो फेल करेगा। लेट मी कनेक्ट माई चार्जर। श्योर श्योर। ओके, तो वो आपको पास नहीं करेगा, वो आपको फेल करेगा। आप, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वोकैबलरी मेरी बहुत एक्सटेंसिव है। मेरा तरीका क्या था वोकैबलरी बिल्ड करने का, जब मैं अखबार पढ़ती थी तो कोई ऐसा वर्ड नहीं होता था जो मैंने पढ़ लिया और मुझे माना नहीं पता और मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैंने कभी नहीं किया था। अभी तक मैं अखबार पढ़ती हूँ और अभी तक हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आ जाए, मुझे नहीं आता तो मैं उसकी जरूर डिक्शनरी जाके देखती हूँ माना कि इसकी माना क्या है। तो ये आप आदत डालें, मेरे रजिस्टर्स होते थे उसमें मैंने वोकैबलरी बनाई हुई थी तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन मेरे हिसाब से फिर आप नहीं, इवेंचुअली आप ये टिप्स अच्छा लिखना स्टूडेंट स्टार्ट कर जानना देते हो जरूर जब आपकी चाहते हैं, वोकैबलरी अच्छी। ऐसी टिप्स स्टूडेंट जानना चाहते हैं, ऐसे जो आते हैं ना रिजल्ट आते हैं, तो उसने आपने जिस तरह से फर्स्ट अटेम्प में माशाल्लाह से इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की, फर्स्ट अटेम्प देन फर्स्ट ग्रुप, और माशाल्लाह से, तो फिर स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि फर्स्ट इनसे वही बात था मेरा। हाँ जानिए उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की। अभी मेरे पास यही स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी आ रही हैं जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि मैम आपने टाइम किस तरह से मैनेज किया। सो एक और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टाइम, हाउ शुड कैंडिडेट्स चूज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, देन हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स? देखिए आप ऑप्शनल पूछें, ट्रेंडिंग होता है फिर आप पूछ लेते हो। मैंने भी यही किया था, जब मैंने तैयारी, मेरे माइंड में आया कि मैंने सीएसएस करना है तो सबसे पहले मैंने यही किया था। आई कॉल्ड वन ऑफ माय सीनियर, उन्होंने, मैं उनका बहुत जो उनको बार बार थैंक्स बोलती रहती हूँ, उनको मैंने फोन किया था, उनसे मैंने पूछा था कि ऑप्शनल्स में क्या लूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था और मुझे सीएसएस का ए बी, मुझे सीएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं आता था बाय द एंड ऑफ 2018। आई कैन से इट ऑन माई ओन गारंटी, मुझे 2018 तक सीएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, ट्रस्ट मी। फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने सीएसएस करना है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि पहले हम कर लेते हैं कंपलसरी कर लेते हैं, फिर ऑप्शनल्स को देखेंगे, फिर जुलाई अगस्त आ जाता है तो फिर ये है मसले। ठीक है, नहीं करना, आप सबसे पहले ऑप्शनल डिसाइड करें। और दूसरी, यहाँ पे मैं दूसरी टिप ये देना चाहूंगी, मैं आई एम सो सॉरी, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन, एंड अदर फ्री टिप इज दैट नेवर एवर डिले योर अटेम्प्ट, नेवर। अगर ख्याल आता है कि मैंने सीएसएस करना है और मेरी एज 21 है लेट्स से, तो 22 में दे दो, वेट नहीं करोगे अभी मेरे पास 6-7 साल हैं, मैं आराम से दूंगा या दूंगी, नहीं इसका फायदा होता। आप जो चीज जितनी जल्दी देते हो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। और ये मैं सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं कह रही, मैंने पार्ट में, मैं एफसीबीएस कर रही हूँ तो मैंने जो भी एग्जाम्स मैंने मेजर दिए हैं अपने कैरियर में, मेडिकल के एग्जाम्स हैं, एफसीबीएस के एग्जाम्स हैं, तो मैं अटेम्प्ट डिले नहीं करती। फिर आप थोड़े टाइम में आप प्रेशर लेके आप कर लेते हो, तो
सबसे पहले ये है कि नेवर एवर डिले द अटेम्प, ख्याल आता है उसी साल दे दो. एग्जैक्टली बिल्कुल और ठीक कह रही हैं. दूसरे लोग काफी ये भी सारे कहते हैं गर्ल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी इश्यू करते होता हो. है ये, गर्ल्स के साथ होता है ये. नहीं ये नहीं करो फिर, हो यहाँ सकता है लेकिन करना पर नहीं चाहिए, आपसे इससे यही रिजल्ट्स पूछ रहे बहुत हैं कि बुरे आते हैं. हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्टडी इन अ डे. मैंने मैंने पहले बताया कि जब मैंने मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो दिन में कोई 2-3 घंटे भी मैं नहीं पढ़ती थी. लाड़काना की गर्मी, अल्लाह तौबा, कोई सोच ही नहीं सकता. वहां पे मैंने 2-3 घंटे पढ़ती थी. जुलाई ऑनवर्ड्स मैंने 6-7 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया था. दिसंबर टिल द नाइट ऑफ माई एसे पेपर मैं 13 या 15 घंटे पढ़ती थी. मैं टाइम वेस्ट, आखिरी 2-3 महीने मैंने एक मैं अपने डे का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती थी. मैं बहुत ज्यादा आइसोलेट होके एक कमरे में बैठ गई थी और मुझे नहीं पता था मेरे घर में क्या होता है. दिसंबर ऑनवर्ड्स मुझे दुनिया का नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है. सिर्फ मेरे पास, मेरे फोन में सिर्फ अखबारें होती थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन और डेली टाइम्स के एप्लीकेशन होते थे. मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है. सारे मैंने दिसंबर ऑनवर्ड्स मेरे सारे सोशल कॉन्टेक्ट खत्म थे, क्योंकि आपको रिवाइज करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको स्पीड बढ़ानी होती है. आपको सारा सब्जेक्ट आता है लेकिन आपने पास पेपर्स पे प्रैक्टिस ही नहीं की, फिर भी आप नहीं कर पाते हो. फिर आप कर तो पाते हो, आप स्कोर नहीं लाते. तो ये था आखिरी आखिरी टाइम. मैंने बहुत टाइम दिया था लेकिन जो शुरू वाला टाइम था तो मेरे जो वार्ड में कुलीग्स होते थे वो यही कहते थे कि इसको शौक है, ये पढ़ती नहीं है, इसको शौक है बस ये चीज करने का. क्योंकि मैं पढ़ती वाकई इतना नहीं थी, तीन चार तो घंटे 5 घंटे. उससे मैं सब्जेक्ट का टेस्ट लेती थी कि इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है. मेरे बाय जुलाई अगस्त मेरे सारे सब्जेक्ट्स की रीड पूरी थी. आई एम वेरी फास्ट एट रीडिंग. मैं नहीं कहती जितनी मैं फास्ट हूँ दूसरे भी उतने ही होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और हमें पढ़ने का ज्यादा ही शौक होता है. तो मेरी स्पीड अच्छी थी तो मेरे सब्जेक्ट बहुत जल्दी कवर होते गए. लेकिन मेरा ख्याल है ऑप्शनल आपके 6 ही सब्जेक्ट. Did you make your own notes? मुझे How to आवाज नहीं make? आ रही आपकी. Did you make your own notes? मुझे आवाज सना, नहीं आ रही आपकी. सना, can you hear me, सना? सना, can you hear me? नाउ कैन यू हियर मी? मैडम आपकी आवाज इज नॉट ऑडिबल. लेट मी टाइप इट. नाउ इट्स ओके. नॉट Not audible. ऑडिबल. Not audible. So, can you hear me? यस आई कैन हियर नाउ. Oh, okay. I said, did you make your own notes? डेफिनेटली यस. आप How to make notes? ये How to make notes? मैं अपना तरीका बताऊंगी. जब मैं पढ़ती थी तो सिलेबस मेरे रूम में पेस्ट था. मेरा हॉस्टल का रूम था उस टाइम, वहां पे मैंने सिलेबस वो पेस्ट कर दिया था वॉल पे. और मैं सिलेबस का टॉपिक लेती थी और वो 2-3 बुक से मैंने हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रजिस्टर बनाया हुआ था. उसमें मैं शॉर्ट नोट्स लिखती थी, जैसे आप ले लें खिलाफत मूवमेंट है या अलीगढ़ मूवमेंट है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. तो एक बुक से ना करें तो ये बेहतर है. आप 2 बुक्स कम से कम ले लें, उसमें से आप 2-3 पेजेस पे 4 पेजेस पे शॉर्ट नोट्स बनाएं, मेन मेन पॉइंट्स लिखें, डेट्स लिखें, या इंपॉर्टेंट कोई कोटेशन नजर आ जाती है आप वो लिखें. आपका रजिस्टर और आपका बुक भी पढ़ जाए, आप बुक भी पढ़ लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी टॉपिक की, और आपके पास जो इम्पोर्टेंट बुलेट्स हैं वो आपके पास होंगी. सबसे पहले जब मैं रीड करती थी तो मैं सिर्फ किताब लेके नहीं बैठती थी, मैं साथ में रजिस्टर और पेन लेके बैठती थी लाजमी, क्योंकि फिर याद भी हो जाता है आपको कोटेशंस, क्योंकि बार बार लिखनी पड़ती हैं फिर ही आपको याद होती हैं. और मेरा सा ख्याल है कि कोटेशंस और रिपोर्ट्स डेटा आप जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा स्कोर आता है. तो मैंने कोटेशंस दिए थे पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, और वो रटनी पड़ती है क्योंकि आप जो कायदे आजम के वर्ड्स हैं या अलामा इकबाल के वर्ड्स हैं आप उसको गलत नहीं लिख सकते, फिर मसला हो सकता है. उसको आपने रटना है वर्ड बाय वर्ड, वो रटा मारने के लिए आपको बार बार लिखनी पड़ती है एक चीज. तो ये होता था कि कभी कभी मैं हॉस्टल की वॉल पे एक दफा लिख रही थी याद करने के लिए, मेरे पास पेपर नहीं था, लिखे बगैर याद नहीं होती. तो मुझे डांट पड़ गई थी वार्ड हॉस्टल वार्डन से कि ये क्या कर रही हो आप.
बगैर लिखे मुझसे चीजें याद नहीं होती, मुझे नहीं पता दूसरों से मैं भी हो जाती हूँ, तो आप बार बार नहीं लिखेंगे नहीं आपका बगैर जो लिखे मसल नहीं मेमोरी हो है ना, सकती, बगैर लिखे नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो मसल सकती मेमोरी बगैर इज लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखते हो, मसल मेमोरी आपके फिंगर्स की मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज है। मेरे शॉर्ट नोट्स आपके बने हुए लिए थे, पास्ट पेपर्स मैंने स्टार्ट किए थे नवंबर ऑनवर्ड्स, पास्ट पेपर्स मेरे लिए थे, फिर मैं वो कभी व्हाट्सएप पे चेक करा लेती थी, कभी किसी को ईमेल भेज देती थी, तो पास्ट पेपर्स मैंने प्रॉपरली सुबह, बहुत सर्दियां होती हैं यहाँ पे, इंटीरियर में तो बहुत ही होती है, सुबह मैं उठती थी 5 बजे, उठ के एक मैं पेपर लेती थी, यूएस हिस्ट्री का है, IR1 का है, सिंधी लिटरेचर का है, एनीथिंग, सुबह मैं मॉर्निंग में उठती थी वो पेपर लेती थी, और मुझे ये था कि मुझे बाय 12 PM ये पेपर सारा हल करना है, तो फिर मैं पास पेपर सॉल्व करती थी नवंबर में, और ऐसे मेरे बहुत ज्यादा पेपर सॉल्व हो गए थे, एक पेपर मैंने दिन में एनी हाउ सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि मैंने सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, मेरे सारे ऑप्शनल भी किए हुए हैं, मैं अखबार भी डेली पढ़ती हूँ, मेरी वोकैब भी डेवलप हो गई है, अब मैं जब पास पेपर्स करना शुरू करती थी तो मुझे बहुत मजा आता था लिखने में, क्रैक करती थी क्वेश्चन को, और वो क्रैक क्वेश्चन में किसी को व्हाट्सएप पे भेज देती थी, कभी कभी कोई नहीं मिलता था तो मैं अपने फ्रेंड से भी चेक करा लेती थी, मुझे पता था मेरी फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ती, मुझसे कम पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं भेज देती थी, कोई मसला नहीं है, आप इससे हेजिटेट ना होके चेक जरूर कराना है, आपने ओपिनियन जरूर लेना है, आप कैसे लिख रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, कैसे खत्म कर रहे हो। अच्छा, ये एक टिप है कि आप किसी के नोट्स, किसी CSP के नोट्स आप कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन आप लें जरूर, उसका वो कैसे लिखता है या लिखती है, उसके पेपर्स कैसे सॉल्व किए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने लिए हुए थे, और जो मेरे मेंटोर थे मैं उन्हीं का फॉलो कर, और मेरी राइटिंग भी उन्हीं जैसी हो गई है, क्योंकि मैं उनके नोट्स को बहुत ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करती थी, उनकी प्रेजेंट, वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, कहाँ पे वो मार्कर यूज करते हैं, कहाँ पे वो पेन यूज कर रहे हैं, तो ये आप इससे बहुत सीखते हो, आप किसी CSP से उसके नोट्स लो, उसका देखो तरीका वो कैसे लिखता था, ये बहुत जरूरी है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है, आप उसका मटेरियल कॉपी नहीं करो, आप उसका तरीका कॉपी करो कि वो कैसे लिखता है या लिखती है, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स लेके आप जरूर देखो, ऐसे भी देखो कि वो ऐसे कैसे लिखता था, और कोई ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट भी, वो कैसे मैप्स बनाता था या बनाती थी, कैसे वो फ्लो चार्ट बनाता है, या ये चीजें बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे कौन सी चीज फिट होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आप किसी CSP की कॉपी करो, ये मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद की थी। दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर आपके लाड़काना से ही है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि CSS की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वन सब्जेक्ट वन टाइम किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट आपके वो कह रहे हैं कि हम भी मेरी लाड़काना यही से थी, हैं। लेकिन लोग करते हैं, लड़का ना मेरा, समझे मेरा हाफ सिटी है, क्योंकि मैंने बहुत साल वहां पे MBBS वहां पे किया है, जनरल सर्जरी ट्रेनिंग भी मैंने वहीं पे किया है। अच्छा यार देखिए, मैंने वन सब्जेक्ट एट अ टाइम किया था, मुझे नहीं पता, लोग मैंने सुना है कि कंपलसरी और ऑप्शनल साथ में लेते हैं, क्योंकि फिर ये है कि आप कंपलसरी भी लेते हो, ऑप्शनल भी लेते हो, एक दिन में करना है दोनों सब्जेक्ट, फिर आप अखबार को टाइम नहीं दे पाते, आप अपनी ग्रामर को टाइम नहीं दे पाते, और सबसे मतलब मैं मानती हूँ कि CSS में गलत ग्रामर लिखना एज अ सिन, वो आपका माफी नहीं होगा, आप इतना पढ़ लो, आपने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, आपको ग्रामर ही नहीं आती, तो फिर भी आप फेल हो गए, तो और स्टूडेंट का यही जो तो इश्यू होता है सबसे मैंने ज्यादा, बताया मेरा इंग्लिश। एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर का मैं आजकल चेक कर रही हूँ, तो एक्सक्यूज मी, जी, और किसी ने सवाल पूछना है? गाइस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, देन वी अच्छा विल सॉरी आंसर फॉर, एवरी वन वन बाय वन। जी स्टूडेंट कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस वजह से। जी श्योर नो सर, जी सना, हाँ क्वेश्चन था कि मैंने
एक ही सब्जेक्ट एट ए टाइम लिया था, अगर आप दो सब्जेक्ट्स लेते हो तो फिर आपका न्यूज़पेपर रह जाता है, आपका इंग्लिश ग्रामर नहीं छोड़ना, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये छोड़ने नहीं है, ये करते जाने हैं आपको जहां पे भी मिलता है इडियम। ये मुझे ये होता था, अखबार पढ़ती थी उसमें जो इडियम्स यूज होते थे वो मुझे मजे के लगते थे, वो मैं लिख के रख लेती थी, और फिर ये होता था कि मुझे नेक्स्ट आइटम में इसको एनी हाउ यूज करना है। आपने सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, नोट्स तो सब बना सकते हैं, आप क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हो वो चीज मैटर करती है सीएसएस में। फिर आपने नोट्स बनाए हैं, फिर आपको वो याद है या नहीं याद, आप बैठ के उसको, जब आप मेन जो गेम स्टार्ट होती है सीएसएस की, मैं पर्सनली मानती हूँ इट इज आफ्टर नवंबर, आप कितना नर्व्स को कंट्रोल कर पाती हो, कितना टाइम दे पाती हो, सुबह जितनी जल्दी उठोगे उतना बेहतर आप प्रोडक्टिव काम कर सकती हो। तो नवंबर ऑनवर्ड्स सीएसएस की गेम स्टार्ट नवंबर ऑनवर्ड्स होती है, ये टाइम नवंबर टिल फेब्रुवरी डिसाइड करता है कि आप पास हो गए या नहीं। जी मैम, शेयर योर तो ऑप्शनल मेरा तो सब्जेक्ट्स। रिकमेंडेशन है यार, मेरे ऑप्शनल्स थे आईआर, यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, सॉरी क्रिमिनोलॉजी, जूलॉजी और सिंधी लिटरेचर। सिंधी लिटरेचर ली थी आपने, तो यस लैंग्वेज सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग होता है। आप सिंधी हैं तो ले, जी तो और मजे के पंजाबी भी भी, तो लगते हैं पंजाबी आप ली थी। अपना। हाँ मजे का लगता है अपना, अपना लैंग्वेज लिखने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, और वो जल्दी कवर हो जाता है। सिंधी लिटरेचर को मैंने तैयार किया था 10 दिन में, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था और मेरा पेपर अच्छा अच्छा हुआ था। अच्छा हो गया था, दैट्स यस ग्रेट। तैयारी अभी ईद के बाद स्टार्ट करूं तो क्योंकि सिंधी हो सीएसएस आप, की, इज इट पॉसिबल शुड अटेम्प्ट सीएसएस 2022? अभी भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमको तैयारी अभी करनी डेफिनेटली यस, चाहिए ईद के डाउट बाद। एनी, विदाउट एनी एवर डाउट, आप नहीं अभी ईद भी के मैं कह बाद रही हूँ स्टार्ट स्टूडेंट्स को करें, मैच लेट चल हो रहा गए है, हैं आप बहुत ज्यादा, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अभी तो इतना काम भी नहीं है मेरे ख्याल से, अभी इतना बर्डन भी नहीं नहीं हुए है ले, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ स्टार्ट, रहे हैं। अच्छा, तो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे हैं जिस तरह से, अभी तो इतना वो भी नहीं है, कोविड की वजह से हर चीज बंद है, तो मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट ये बैठ के तैयारी कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होता होगा, है ना? क्योंकि अब जाहिर लेकिन सी बात है लाइब्रेरीज बंद है। लाइब्रेरीज बंद है तो कोई बात नहीं, अच्छा मैं जैसे अभी मैंने लाइब्रेरी नहीं आपको जाती बताया था, पढ़ती थी, मैं कभी लाइब्रेरी नहीं। तो ये 8-8 घंटे पढ़ना, हाँ तो स्टूडेंट आप कहते हैं आठ जो भी आठ घंटे सवाल पढ़ने पूछ रहा है चाहिए। तो यार आप डेफिनेटली दे सकती हैं आप, मैं आप स्टार्ट करती हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें मैं, और आप 2021 अटेम्प्ट दे सकती हैं और आप पास हो सकती हैं, प्रोवाइडेड हाउ डेडिकेटेड यू आर। जी बिल्कुल, हर किसी के अलग अलग है ना, हमें नहीं पता उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसके मतलब हर कैंडिडेट का जो है उसका माइंड कैसा है। वो 3 घंटे के अंदर एक टॉपिक तैयार कर रहा है, आप 3 घंटे के अंदर दो टॉपिक्स तैयार कर सकते हो, तो ये भी फर्क आ जाता है बहुत। तो स्टूडेंट इस चीज को बहुत नोट करते हैं, वो कहते हैं आपने 6 घंटे दिए हैं तो मैं भी 6 घंटे दूंगी, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने 6 घंटे के अंदर क्या चीजें वाइंड अप की हैं, तो वो क्या चीजें वाइंड अप करेगा। तो ये स्टूडेंट के अंदर ये साइकी क्यों है, यार क्या क्यों है ये? आप ना जी जी सना, कैन यू हियर मी सना? यार आप जब 6 घंटे पढ़ना चाह रहे हो, यस आई कैन, 6 घंटे आपने पढ़ना है, आपने फोन बंद कर देना है, फोन नहीं खोलना, 6 घंटे पे फोन खोलना ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। जो सबसे बड़ा मेरा डिस्ट्रेक्शन है वो फोन है, अच्छा फोन बंद करो, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है आप सोच ही नहीं सकते, फोन बंद करने से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। आप तो कोशिश करो जो वो अननेसेसरी ऐप, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो कहते हैं फोन में हमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वेबसाइट अगर हमने डाउनलोड किए हैं, सोर्सेस वगैरह अगर किए हुए हैं, तो वो हम लैपटॉप में भी तो यूज कर सकते हैं, चेक एग्जैक्टली यस मी इफ आई एग्जैक्टली, एम रॉन्ग, है ना? लैपटॉप में भी तो यूज कर सकते हैं, आप फोन साइड में रखो, आप लैपटॉप के अंदर वो सारी यही चीजें तो यूज। गेम है, यही तो गेम है कि आप वो 7-8 महीने अपना फोन का, अपने गैजेट का कैसे इस्तेमाल करते हो वो ही डिटरमिन करता है कि आपने पास करना है या फेल करना है। आपने इसी गैजेट का सही से यूज कर लिया तो आप पास हो जाओगे, अगर गलत यूज किया तो फेल हो जाओगे। तो यही तो सब्र तो करना है, यही तो सब्र का इम्तिहान है। सीएसएस सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये नर्व्स का एग्जाम है।
आपका दिल करता है आप बातें करो लोगों से, क्योंकि सारे लोग बात कर रहे हैं। मैंने अननेसेसरी ग्रुप्स डिलीट कर दिए, अननेसेसरी मैंने ऐप्स डिलीट कर दी थी, अभी भी मेरी डिलीटेड है। आप कोशिश करो बेयर मिनिमम कॉन्टेक्ट हो, बेयर मिनिमम सारे नंबर्स डिलीट कर दो, कोई काम नहीं आएगा। जब आप पास हो जाओगे सारा पाकिस्तान आपको प्रेज करेगा, ये मैं खुद कह रही हूँ। उस टाइम मैंने 6-8 महीने मेरा सोशल कोई कांटेक्ट नहीं था, टुडे 2 दिन से मेरा रिजल्ट आया है और एवरी पर्सन Now इज you are शेयरिंग माय facing, फोटो। now you are facing this situation. So बहुत तो ये अच्छा लग चीजें रहा होगा लोग ना, भूल जाते हैं। कैसी कैसा लग रहा है, घर वाले कैसा फील कर रहे हैं आपके, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मोटिवेशन आ गई होंगी, है ना? देखिए नहीं इतना मतलब ये है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छी डेजिग्नेशन पे थी, मैं FCPS भी कर रही थी, पूरा होने वाला है मेरा, और मैं मेडिकल ऑफिसर भी हूँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास ग्रेड 17। तो ऐसा लग रहा है ये कोई बस अचीवमेंट ही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स मैंने कुछ नहीं किया, उनको फील नहीं हो रहा अभी तक। आई होप कि जल्दी होगा। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इशू नहीं है. हाँ सो हाउ यू प्रिपेयर सिंधी? यार, सिंधी के लिए आप बुक ले मुख्तियार मला और अकबर लगारी, इनको पढ़ें, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिंधी इतनी आसान है और इतनी मजे की है, आप सिंधी को तो मसला ही नहीं। आप शेर हैं वो रटने भी पड़ते हैं जिनको समझ नहीं आते शेर, और चूंकि मेरा ऑलरेडी लिटरेचर में इंटरेस्ट था बहुत सालों से, सिंस माय फाइनल ईयर, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको शेर में रटने में मसला होता है तो आप फिर सोशियोलॉजी ले, क्योंकि फिर आप सिर्फ सिंधी में लिखते जाओगे लिखते जाओगे, कोई शेर नहीं देते आप सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो फिर वो स्कोर नहीं देगा और मजा नहीं होगा। अगर आप नहीं रट पाते तो नहीं लो। सो व्हाट चेंज आर यू नोटिसिंग इन CSS एग्जाम्स? 2 साल से जो इसके अंदर ट्रेंड आ रहा है, तो आपने इस तरह कुछ नोट किया होगा? अच्छा, देखिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए नहीं है। तो अच्छा, मैं जब इम्तिहान दे के आई थी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे पेपर्स इस्लामियात और IR के बहुत ही बुरे हुए थे, मुझे मुझे लग रहा था बुरे हुए हैं लेकिन बुरे नहीं हुए थे, तभी पास हो गई हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता कि 2019 में क्या था, 2021 में, क्योंकि मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है अच्छा और मैं अपने ही अटेम्प्ट से कंसर्न थी कि मेरे अटेम्प्ट में क्या, वो मेरे पेपर अनकन्वेंशनल आए थे, 2020 के पेपर थोड़े ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट आए हुए थे, इस्लामियात और का पेपर है 2021 या के उससे ज्यादा डिफरेंट आए हुए थे. हाँ उसका अब कंपोजिशन का पेपर ट्रेंड पता नहीं। चेंज हो रहा है, स्टूडेंट वही वहीं पर ही रुके हुए हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. हम लोग अपने स्टूडेंट को यही चीज बताते हैं, हम उनको यही चीज कहते हैं कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. आपने जितना फोकस कंपलसरी को दे रहे हो, आपको उतना ही ऑप्शनल को भी देना ऑप्शनल्स पे चाहिए, भी देना है। ऑप्शनल्स के भी देना चाहिए. 100 मार्क्स का वो है तो वो भी 100 मार्क्स का है, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो ऑप्शनल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ऑप्शनल को थोड़ा सा लाइट आप ले लेते थे. और ऑप्शनल, मेरे हिसाब से ऑप्शनल अगर आप ठीक ले लेते हो तो ऑप्शनल आपका स्कोर बनाता है, क्योंकि अगर मेरा एक बैकग्राउंड नॉलेज है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा एक सब्जेक्ट में है, तो वो ऑप्शनल मुझे ज्यादा स्कोर दे सकता है, और आप स्कोर अच्छा लोगे तो आपको ग्रुप अच्छा मिलेगा, आप एलोकेट अच्छे ग्रुप में हो जाओगे। जी तो सिर्फ बिल्कुल ये तो नहीं है बिल्कुल ना, सिर्फ पास करना है, आपने जी, लैंड करना है लैंड अपने करना डिजायर्ड है, ग्रुप में। तो डिजायर्ड ग्रुप में. जी नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बकायदा हम लोग एक अलग से प्रॉपर क्लास देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बाद में स्टूडेंट के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग एक प्रॉपर क्लास देते हैं ताकि पहले से वो डिसाइड कर लें ऑप्शनल सब्जेक्ट. अब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से आप चेंज कर रहे होते हो, चेंज नहीं कर रहे होते हो, आपने ये इतनी तो कभी तैयारी नहीं करने के करना बाद चाहिए। फिर चेंज कर रहे होते हैं. मैंने 2020 का इम्तिहान दिए थे और मैंने 2021 की तैयारी टेंटेटिवली स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे हुए थे मुझे उम्मीद नहीं थी मैं पास होंगी, तो आपने लेकिन फॉरेन से सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी? फॉरन से अच्छा, नहीं की थी, जून जुलाई में की थी, जून जुलाई में. लेकिन US हिस्ट्री का पेपर मेरा बहुत ही बुरा हुआ था और आखिरी पेपर था, और आके मैं तो रो रही थी मेरी अम्मा। तो फिर मैं सोच रही थी मैं US हिस्ट्री चेंज कर लूं, फिर मेरा जो टीचर था मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट आपका कितना भी बुरा हुआ है आप उसको चेंज ना करें, क्योंकि आपका आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने उसको डिटेल लास्ट ईयर पढ़ा है, फिर आप एक ऑल टुगेदर दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हो क्योंकि आपका पेपर बुरा हुआ है, तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया। सेकेंड अटेम्प्ट है, जो पहले लिए थे सब्जेक्ट उसी पे स्टक रहो।
चेंज करने से टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल सही कोई भी फरमा रहे हैं सब्जेक्ट आप लोग ठीक से पढ़ो, आप कर सकते हो। सीएसएस ट्रस्ट मी, अब इसको रैप अप मैं अगर करना चाहूँ तो सीएसएस इतना मुश्किल नहीं है जितना जितना मैंने बनाया हुआ बनाया हुआ है। है। जी बिल्कुल और सही कह रही हैं आप, अच्छा, जितना इसका बनाया हुआ ब्लेम है। पता है मैं किसको देती हूँ? सीएसएस को कॉम्प्लिकेट बनाने में हमारे अपना हर किसी का अपना नैरेटिव है। सीएस अच्छा, जब मैंने तैयारी की थी तो जो मैं सी उन्होंने नहीं भाई, सीएसएस तो तबाही है, सीएसएस तो रॉकेट साइंस है, सीएसएस तो पता नहीं क्या है। तो अब मैं पास हो गई हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि सीएसएस रॉकेट साइंस नहीं है, सीएसएस इजी नहीं है। है, नहीं आप है ट्रिकी ये। बहुत है, आप ट्रिक उसको पकड़ लो। वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिर्फ उसी का जवाब दो, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। अच्छा लोग क्या कहते, मुझे एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेट्स से क्लाइमेट चेंज है या वुमेन राइट्स हैं, कोई इस्लामिक टॉपिक आ गया है, मुझे उस पे एक्सट्रीमली ज्यादा नॉलेज है, मैंने तो उस पे रजिस्टर भरे हुए थे। फिर मैं वही सारा लिखने की कोशिश करूंगी ऐसे में। ओ भाई, जो तुमसे पूछ रहा है सिर्फ उस एंगल का जवाब दो, सारा एंगल का लिख जवाब बताना। दो, बिल्कुल सही कह रही इतनी हैं मेरे आप। पास नॉलेज है, लेकिन मैं सिर्फ जो मुझसे पूछी गई है, भले मेरे पास 15 साल का पढ़ा हुआ कोई चीज हो, मैं 15 साल से एक चीज को पढ़ रही हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं पूछी, मुझसे सिर्फ एक ही उस 15 साल में 1 महीने की पढ़ी हुई चीज पूछ रहा है, मुझे सिर्फ वो आंसर करनी है। और जितना शॉर्टर द आंसर द बेटर द रिजल्ट। आप 8 पेजेस का आंसर ना लिखो, वो बोर हो जाता है। मेरा आंसर 4 पेजेस से कभी एक्सटेंड नहीं करता था। 12 अच्छा, पेपर आपका 4 पेजेस का क्या, होता था तो नहीं। 4 पेजेस आप क्या सजेस्ट करेंगी स्टूडेंट को, ये जो टेस्ट होते हैं, राइटिंग मॉक होते हैं, ये देने चाहिए? क्योंकि हम तो कहते हैं कि आपको पूरे टेस्ट मॉक ये जरूर यार, देने चाहिए। तो अगर आप ये आप मॉक मिस कर रहे हो फिर आप कहते हो कि मैं सीएसएस दूंगा या दूंगी, तो खुदा के बंदो या बंदियों आप नहीं दो। नहीं मॉक दो, के बगैर आप सीएसएस एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने आप के साथ आप जुल्म कर रहे हो। फिर बेइज्जती होती है, फिर हम डिग्रेड होते हैं, हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम तो फेल हो गए जी। और सना पास हो गई, सना ने मॉक दिए थे, सना ने एक भी मॉक नहीं छोड़ा था। सना मैंने ने जो तैयारी भी कैसे की थी, सना ने टाइम किस तरह से मैनेज किया था? मॉक लाजमी दो, आप आखिरी दिन में ही मॉक होते हैं, दिसंबर जनवरी के दिनों में ही मॉक्स होते हैं। और फिर उसमें बंदा ये बोलता है कि मैंने रिवाइज करना है, मैं सुबह उठूंगी तैयार होके जाऊंगी, जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, रिक्शा पे जाऊंगी या ट्रैफिक होगी, फिर बाकी मैं थक के सो जाऊंगी। इट्स अ वेरी बैड आइडिया टू स्किप टू टू इग्नोर मॉक्स। आ वो गलती मेन पेपर में करो, उससे बेहतर नहीं है कि आप मॉक्स में करो। मॉक्स में कर लो, और मैंने कोई मॉक्स में यहाँ आपको पे काफी सारी चीजें कलेक्ट करने को मिल जाती हैं। आपके पास काफी सारा टाइम होता है। दिसंबर में हम लोग मॉक कंडक्ट करते हैं अपने, तो उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट, इवन के हमारे पास अभी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में अपियर हुए हैं, तो उन मीन्स हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज से टेस्ट लिए हैं 92 पेपर्स। एक स्टूडेंट बिल्कुल आपकी तरह ही होंगी, उन्होंने 92 पेपर्स दिए हैं, उसने एक पेपर नहीं छोड़ा। और वो कह रही थी कि फाइनल पेपर में ऐसे लग रहा था कि बस मैं लिखती गई हूँ, इतनी उसकी प्रैक्टिस आपकी थी कि मतलब प्रैक्टिस लिखती प्रेशर गई। में लिखने की प्रैक्टिस होती है। मैंने यहाँ सखर में जो भी मॉक्स हुए थे मैंने दिए थे, मैं उस टाइम नहीं थी कराची, वरना मैं कभी कोई मॉक नहीं छोड़ती। जी मैंने जी इंटरव्यूज मॉक दिए थे, किप्स में मैंने मॉक्स दिए थे, मैंने कराची में जो भी मॉक्स हो रहे थे मैंने नहीं छोड़े थे, मैंने सारे दिए थे। आप मॉक आपका रिटर्न हो, आपके मॉक इंटरव्यू हो, आपने देने हैं, और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर इसका फायदा मैं बयान नहीं कर सकती, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जी जी ये बिल्कुल करते हैं लोग कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने तो रिवाइज करना है और फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं पैसे लेते हैं। यार वो पैसे आपके जो है ना, बेहतर नहीं है आप सेकंड अटेम्प्ट पूरा साल वेस्ट करो, थोड़े पैसे वेस्ट करो। ये स्टूडेंट के होता है। कहते हैं कि जो एकेडमीज हैं वो पैसे, ये मुझे समझ में नहीं आता। एकेडमीज जब आपके पास बैठी हैं तो आपको गाइडलाइन देने के लिए बैठी हैं, आपके पास टीचर आपको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, तो आप वो उसको अवेल फॉर्मल एक करो, ये सेटअप बना आप के बैठे करो। हैं, वो रेंट पे करते हैं, तो उनका रेंट हक पे है भाई। करते हैं, बिल्कुल उनका हक है। अच्छे से अच्छा तो टीचर आप प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, अब आप ही वो आप ही इतनी सुस्ती दिखा रहे हो, तो फिर वो आपको घोल कर तो नहीं पिला सकते ना। तो मॉक यहाँ दो, पर स्टूडेंट, आप मॉक जी जी मॉक देने के बगैर पेपर में नहीं जाना।
कभी नहीं नहीं जाना जाना बिल्कुल पास हो आपका, गया अब। ये आप डॉक्टर सना की बात याद रखेंगे सब लोग, मॉक के बगैर कोई भी पेपर में नहीं बैठेगा। ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत कहती हूँ, मैं स्टूडेंट को ये बात कहती हूँ, आप लोग मॉक के बगैर फाइनल में नहीं बैठेंगे प्लीज। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी जानना चाह रहे हैं कि टिप्स और सम टेक्निक्स फॉर करंट अफेयर एंड प्रेसी। यार प्रेसी, प्रेसी इज एन आर्ट। प्रेसी आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करो। मैंने 1971 ऑनवर्ड्स, 2019 तक, 1971 से लेके 2019 तक सारी प्रेसी सॉल्व की थी, सारी। 1971 इज अ बिग थिंग, 71 मैंने नहीं पास छोड़ी थी। 1971 पेपर, जी, मेरे पास पास पेपर अभी भी की ही प्रेसी की प्रैक्टिस होती पास है, पास पेपर्स, पेपर की हाँ ही प्रेसी की एग्जैक्टली। प्रैक्टिस है, और आपने चेक करानी है वो, चेक और करवानी, बिल्कुल कोशिश सही करें कि कह आप रही वो हैं। व्हाट्सएप पे ना कराएं, किसी को व्हाट्सएप पे ना भेजें। आप जाएं उस बंदे के पास या बंदी के पास, वो आपको मिस्टेक्स बताएगा। आपने प्रेसी पे, मेरा जो पर्सनल ख्याल है, मुझे ऐसे में इतनी तकलीफ नहीं हुई थी ऐसे प्रिपेयर करने में जितनी मुझे प्रॉब्लम प्रेसीज में होती थी, क्योंकि प्रेसी में, प्रेसी में प्रेसी मुझे बहुत आपको बहुत बहुत, प्रॉब्लम होती वो थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, प्रेसी में बहुत इश्यू होता है। हम लोग स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप पास पेपर की, अगर आपको प्रेसी के पहले आपको टेक्निक्स और रूल्स बता दिए गए हैं, देन फिर आपका काम है, आपने प्रैक्टिस करनी है सारे पास पेपर की। आप प्रैक्टिस कर करके टीचर्स को चेक करते रहें, टीचर के एक पीछे बुक लग जाएं आती आप। है, बुक आती है आर्डिलॉन, वो भी मैंने तकरीबन सॉल्व की हुई थी। रूल सबको पता होते हैं, देखिए एसए के भी रूल सबको पता है, प्रेसी के भी सबको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे होते। फिर हम कहते हैं कि हमें एफपीएससी फेल कर देता है, 1.96% को वो पास करते हैं। तो वो 1.96% वो रूल्स को फॉलो भी करते हैं, उनको लिखने के वक्त अप्लाई भी करते हैं, सिर्फ वो पढ़ते नहीं है। रूल्स को पढ़ना नहीं है उनको, एप्लीकेशन उनकी होती है। तो बहरहाल ये है कि प्रेसी को आपने एकदम से नहीं आएगी, 5 प्रेसीज करने से मुझे प्रेसी नहीं आ जाएगी, ये मैं पक्की बात कह रही हूँ कि 5 प्रेसी मैंने की है और फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं तो जाके एग्जाम में बैठ जाऊंगी। तो हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा जीनियस लोग हों जो कर सकती हूँ, लेकिन आप अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। फिर आप अपने आप को ब्लेम ना करें कि मैंने क्यों नहीं मेहनत की थी जब मेरे पास टाइम था। कभी भी ज्यादा मैं मेहनत करती थी तो मेरे पास टाइम है, और फिर मेरी जॉब है, फिर मेरी SIUT में स्टार्ट होगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, जो भी है। अब यही अटेम्प्ट है, मैं तो यही सोच के ओवर बैठी स्मार्ट हूँ। कहते हैं कि ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए आपको सीएसएस में, कि कुछ कभी कैंडिडेट होते हैं मेरे पास, कुछ है होते हैं ऐसे कि ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, हमें ही आता हम कर लेंगे, लेकिन इस तरह की गलती नहीं करनी कभी चाहिए। कभी कुछ ओवर स्मार्ट पास भी हो जाते हैं, हो भी जी जाते हैं, वो भी जाते हैं, हो भी जाते हैं, तो लेकिन सबका लग काम नहीं करता, लग सबका नहीं काम लग करता, हार्ड बिल्कुल वर्क सही कह सबका रही काम हैं। करता है। यहाँ पे स्टूडेंट भी यही पूछ रहे हैं कि एकेडमी ज्वाइन करना लाजमी है फॉर सीएसएस प्रिपरेशन। देखिए मेरा जो ख्याल है, मेंटोर के बगैर CSS नहीं हो सकता। नहीं हो सकता आपको बिल्कुल, कोई इल्हामी कुव्वत आपको बता रही है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन एक आम इंसान जिसको नहीं पता कि CSS कैसे करना है, तो ये नहीं हो सकता। कोई अनलेस आपको कोई गैबी कुव्वत बता रही है अंदर ही अंदर, ठीक है, तो ये चीज फिर एकेडमी, वहां पे आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाती है जो आपको, जो आप में इंटरेस्ट लेता है, उसको लगता है कि आप कर लोगे। फिर एकेडमी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एक अच्छा मेंटोर देने के लिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं सखर में रहती हूँ तो क्योंकि जॉब भी थी मेरी, मैं जा नहीं सकती थी, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था अच्छा मेंटोर। उसने ही लाइक माय एल्डर ब्रदर, ही वर्क वेरी हार्ड ऑन मी और मैं पास हो गई। तो मेंटोरशिप के बगैर तो CSS तो नहीं हो सकता। और इंटरव्यू में भी यही है कि इंटरव्यू में भी आपको एक कॉन्स्टेंट मेंटोरशिप की बहुत जरूरत होती है, जो आपको बताता रहे, तो तो हाउ इससे वाज मैं योर तो उसको बहुत इंकरेज। एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मेरा रिटन तो ठीक था, लेकिन इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था, और इंटरव्यू के बाद आके मैं बहुत परेशान थी, पूरा दिन मैं परेशान थी। और मैंने उस मैं सोच रही थी 3 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 4 मार्च को मैं 2022 की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ था, बुरा अच्छा ये नहीं हुआ था, क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे, लेकिन मेरे साथ मसला ये था जब मैं एंटर हुई थी हॉल में, तो कुछ मेरे साथ चीजें अनकन्वेंशनल हुई थी।
जो लोगों के साथ नहीं होती। वहां पे मैं एंटर जब हुई थी तो लोगों को बिठाते हैं, सलाम करते हैं या हम सलाम करते हैं तो वो आंसर देते हैं हमें। मैं बैठी नहीं थी अभी तक। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरी डिग्री पूछी। तो मैं एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाती हो कि पहले मैं जाऊंगी सलाम करूंगी, फिर जो है वो मुझे सीट लेने के लिए कहेंगे, मैं सीट पे बैठूंगी, फिर मुझसे डिग्री पूछेंगे, फिर मेरा जो एक्सपीरियंस पूछेंगे। ये मेरे साथ पहली चीज आपके साथ अनकन्वेंशनल होती है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। मुझे लग रहा था मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था। और लेकिन क्योंकि मेरे साथ जो चीज मैंने सोची हुई थी मेरे साथ ये होंगी, वो नहीं हुई थी। बहुत चेंज था मेरा इंटरव्यू। सबने आके, मेरे कोलिग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने शेयर किया था आके ग्रुप्स पे, मैंने शेयर ही नहीं किया। मैं इतना डरी हुई थी। तो फिर ये नहीं है, वहां पे आपकी नॉलेज सिर्फ चेक नहीं हो रही, वहां पे आपका कंपोजर, आप कितने काम बैठे हो, आप कैसे बोलते हो, वो सब कुछ जज हो रहा है। रिटन इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आप कितने सबर कर लेते हो। वहां पे आपसे इम्तिहान आपके सबर का लिया जाता है इंटरव्यू में। तो वो मैं इम्तिहान पास कर गई और उन्होंने मुझे अच्छा ग्रुप दे दिया, माशाल्लाह। That's great. How was your experience in KIPS? KIPS का एक्सपीरियंस तो इट वॉज अमेजिंग। आई पर्सनली अप्रिशिएट KIPS अ लॉट। पहला तो ये था कि जब मैं आई थी मॉक देने KIPS पे, तो वहां पे मुझे अपने एरिया के, क्योंकि मैं इंटीरियर साइंस से हूँ, तो वहां पे मुझे इतने वो ही वाज फर्स्ट वेरी इम्प्रेस दैट आई बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी एंड ही टुक एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन मी। जो आपके सीनियर हैं, फिर उन्होंने मुझे स्पेशली समझाया, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ माय इंटरव्यू उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि आपने एक चीज है, आपके पास एक डिविडेंड है तो उसको कैसे यूज करना है। आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आप उसको उसको कैसे आप उसको अपना कैसे वेपन करके यूज कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, वो टिप तो आपकी ये काम मुझे आ बहुत गई, काम आया था। वो टिप आपकी काम आ गई, दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली यस, हाँ, टिप्स वो टिप आपकी काम आ गई। इतने सीनियर लोग हैं, वो जो टिप देते हैं वो काम आती है। तो काम आती है बिल्कुल। मेरा अच्छा, एक्सपीरियंस अब बहुत अच्छा था। मेरे पास ना काफी सारे इंटीरियर्स इनसे आते हैं, स्टूडेंट बेचारे ना बहुत ज्यादा वो होते हैं कि उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए आना होता है ना किप्स एकेडमी से, तो इंटीरियर्स इनके स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो यहाँ से ना मतलब यहाँ कराची से, कराची के बानिस्बत जो वो वहाँ के ज्यादा मेहनती हैं और जिस तरह से वो हार्ड वर्किंग करते हैं यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, तो मुझे तो उनके साथ बहुत, मैं कहती हूँ कि मेरा बस चले कि मैं उनको ना बिल्कुल ऐसे लाइक स्पून फीडिंग करवाती हूँ कि उनको मतलब वो बेचारे पढ़ नहीं, के वो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंध में जो एजुकेशनल हालात हैं, एजुकेशन के, वो बहुत खराब हैं। कॉलेज से लेके स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल से लेके इंटरमीडिएट तक हमारे हालात बहुत खराब हैं। तो वो चाहते हैं कि, लेकिन हमें फिर मसले होते हैं इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में। सिंधी स्टूडेंट्स को मसले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? मेरा बिगेस्ट, ये स्टूडेंट के लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो अभी आजकल जो मेजोरिटी है वो गर्ल्स की है, मेरे पास जो आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और यहाँ पर हम बिकॉज हम लोग जो रेगुलर बैचेस ऑफर कर रहे हैं और वीकेंड बैचेस होता है, वीकेंड बैचेस मोस्टली वही स्टूडेंट लेते हैं जिनके पास जो जॉब करते हैं, मेजोरिटी जॉब वाले सबसे ज्यादा होते हैं, उनके साथ यही इशू होता है वो टाइम किस तरह से मैनेज करें, और टाइम और वो पता है यही सवाल होता है कि क्या हम जॉब छोड़ दें, जैसा आपने अभी कहा था कि क्या हम नहीं जॉब छोड़ोगे छोड़ दें, नहीं छोड़ो, तो ये आप उनके लिए जॉब, अच्छा तो क्या नहीं मैसेज, छोड़ो क्या एडवाइस देना जॉब को। चाहेंगी स्पेशली गर्ल्स के लिए, यार क्या मैसेज देखो, देंगी आप? मैंने गर्ल्स के लिए, अगर आप अनमेरिड हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप जॉब के मसला साथ ही कर नहीं सकते है। हो। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मैरिड हो, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिए मैं कमेंट नहीं। लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो कराची की है, उनका नाम नहीं लूंगी, उनके दो बच्चे थे, मेरे साथ पढ़ती थी, शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। वो मुझसे ज्यादा अच्छा लिखती हैं, शी इज एन अमेजिंग। वो हैं कराची से, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त हैं। वो अपने बच्चों के साथ भी पढ़ सकती हैं, उनके दो बच्चे हैं माशाल्लाह।
लेकिन फिर भी वो पढ़ती हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं है. तो जॉब इज इक्विवेलेंट टू योर किड्स. एक चीज आप पकड़ के, आप मैडम आप बताएं, आप एक चीज पूरा दिन पकड़ के बैठ जाती हैं, आप उससे बोर नहीं होती? मैं बिल्कुल बोर सीखने होते के हैं। लिए सुबह उठूं 9 बजे और रात 12 बजे तक सिर्फ सीएसएस 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 के लिए पढ़ती रहूं, तो मैं बोर हो जाऊंगी, मेरा माइंड ही सुन हो जाएगा, और फिर मैं, मेरा आउटपुट इतना अच्छा नहीं होगा. अगर आप जॉब करते हो 2 बजे तक, आप जॉब के लिए 2 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक आप जाते हो, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल जाती है, और आप दिन सैटरडे संडे आप रसी और एसएफ पे काम करो या ऑप्शनल पे काम करो, आप जॉब से आके थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद 8 बजे से लेके बुक्स पकड़ के बैठ जाओ, तो मसला नहीं है. जॉब के साथ पढ़ना तो कोई इश्यू ही जी नहीं है. बिल्कुल। और आप यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछना चाह रहे, मैम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? दैट शुड बी ओनली फॉलो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। डेफिनेटली यस, न्यूज़पेपर्स फॉलो करें और मैगजीन्स फॉलो करें. इनकी मैगजीन आती है, वो मैंने इंटरव्यू के टाइम बहुत पढ़ी थी, 2-3 महीने. ग्लोबल आपने, एज मैडम मुझ मैगजीन में ना? आई थी, आपने दी भी थी. हाँ हाँ ग्लोबल जी, एज मैगजीन मैंने आपको हाँ दी थी, तो वो मैंने सभी हाँ इंटरव्यू वालों को दी थी कि मैंने कहा था वो हमारी न्यू ही तब आई थी, तो मैंने कहा वो था कि बहुत अच्छी एटलीस्ट है, आपको बहुत कॉपी इजी चाहिए, वर्ड्स इजी में. हाँ बहुत वर्ड इजी होती है, वर्ड्स में. और वो हमारी पूरी मंथली आती है। ग्लोबल एज मैगजीन जो होती है ना, वो हाँ हमारी मंथली आती है। आप मैगजीन्स पढ़ो, फॉरेन अफेयर्स मैं पढ़ती थी, इंटरनेट आपने पे देखा पढ़ती थी होगा, फॉरेन. आपने देखा होगा उसके अंदर प्रॉपर एक एक सवाल पूरा बना हुआ होता है, पूरा हेडिंग्स के साथ पूरा एक एक सवाल बना हुआ होता है हमारी मैगजीन्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से पूरी न्यूज़ एक मंथ में ही आपकी कवर हो जाती है। आप सब मैगजीन कोई डिफरेंशिएट नहीं करो कि इसकी पढ़नी है इसकी नहीं, सारी पढ़ो, जो जहां से मिलता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना राइटअप बेहतर होगा. राइटअप बेहतर करने के लिए पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ो. करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बाकायदा टॉपिक बना के देते हैं, जैसे अफगान पीस प्रोसेस है, या इतने मसले चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, वुमेन इश्यूज हैं, या एजुकेशन है, कोविड है, तो ये बना बनाया आपको टॉपिक दे देते हैं. आप उससे डेटा रट लो, उसके जो फैक्ट फिगर्स हैं वो अपने पास लिख के रख लो या हाईलाइट कर लो. मैगजीन्स का रोल जो है वो इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैगजीन्स का और न्यूज पेपर्स का. ये नहीं छोड़नी. एक्सप्रेस पॉलिटिकल ट्रिब्यून इज एन अमेजिंग न्यूज पेपर, साइंस इसको और पढ़ो. इंटरनेशनल रिलेशन। इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बहुत लेंदी है, बहुत बोरिंग लगा था मुझे. और इंटरनेशनल रिलेशन आपको ओवरलैप करते हैं ना यूएस हिस्ट्री से, और आपके यूएस करंट हिस्ट्री अफेयर में से भी हेल्प आपके आउट करंट करता अफेयर से है, और आपको एसे में बहुत काम आता है। इंटरनेशनल रिलेशन आपके एसे में बहुत काम और आता है, आपके पास इंटरनेशनल बहुत रिलेशन कंटेंट बहुत जमा। स्पाइसी सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपके स्पाइसी पास है, समझने की चीज है, तो बिल्कुल सही कह रही मैं हैं। इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी कि आप ये लो या नहीं, तो इस मैम पे आप खुद देखो. स्टूडेंट स्टूडेंट बोल किसी की पर कह रहे मेरा हैं कि आईआर था. हार्ड वर्क इज मस्ट फॉर सीएसएस, हार्ड वर्क इज मस्ट फॉर सीएसएस। ये कौन पूछ रहा है, मुझे नाम बताएं, नाम है उसका इनका नाम बताएं. एहसानुल्ला नूरानी। नूरानी नूरानी साहब, ये है, आप कैसे सवाल नूरानी पूछ रहे हैं? जी, नूरानी साहब आप ऐसे सवाल ना पूछा करें. सीएसएस इज इक्वल्स टू हार्ड वर्क. सीएसएस और हार्ड वर्क एक इंटरचेंजेबल टर्म्स है, कुछ भी के नहीं है वो भाई, हार्ड वर्क ही तो है. जी, आप अगर हार्ड बैठ के वर्क है पढ़ते तो हो कैसे और करना है, हार्ड वर्क है तो कैसे करना है। मैंने आपसे कहा था ना स्टूडेंट्स की रजिस्टर लो, नीड्स होते हैं। रजिस्टर लो, कॉपी लो, बुक लो, पेन लो, मार्कर लो, बैठो पढ़ो और लिखना शुरू हो जाओ, ये हार्ड वर्क है. ये क्या रॉकेट साइंस है, ये तो सिंपल जी सवाल है. बिल्कुल सही कह रही हैं। चले एनी लास्ट मैसेज फॉर दी सीएसएस पायरेंट्स? यस, ये है कि आप अगर सना कर सकती है तो आप कर सकते हैं. बहुत बिल्कुल कोई इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने बनाया हुआ है. इतना कोई मुश्किल नहीं है. आप मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट आप डिले ना करें, पढ़ते रहें, चेक कराते रहें. मेरे जो टेक होम मैसेज ये है कि अटेम्प्ट ना डिले करना है, कभी डिले नहीं करो. इस साल सोचा है दे दो, दे दो। जो हुआ देखा जाएगा, दे दो. डिले नहीं करो कि भाई नहीं मैं दूंगी, फिर मैं 2020-20 में दूंगी, फिर नहीं अभी नहीं है तैयारी. मेरे साथ हुआ है, मेरी फ्रेंड्स करती हैं ऐसे, फिर 23 में देंगे, फिर 24. नहीं करो यार ऐसे, बहुत ज्यादा आपका
जो है ना पोटेंशियल कम होता जाता है, तो ऐसे इन कैसे गर्ल्स। क्लियर करना है दूसरी स्टूडेंट चीज को, ये ये है समझ कि नहीं आता। लिखो, सिर्फ पढ़ना नहीं है लिखना है। लिखना है, लिखना है। और डॉक्टर सना जब कर सकती हैं तो आप लोग भी सब कर सकते हैं। इस तरह के सवाल करके खुद को भी कंफ्यूज करते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग गुम हाँ, क्यों, जिस तरह से डॉक्टर सना ने कहा है कि आपको और गाइडलाइन की कोशिश बहुत करें कि ज्यादा आप जरूरत होती एक है, ही बंदे या बंदे की गाइडेंस पे फॉलो करें। गाइडेंस लें। आप बिल्कुल, आप मल्टीपल इतने मल्टीपल जी गाइडेंस बिल्कुल लोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीपल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से आप गाइडेंस लोग मैं लूंगी, इससे भी लूंगी, उससे भी, वो अपनी बात बताएगा, मैं ट्रस्टेड। वैसे आपकी ऐसे बात से नहीं लगता कि आप एस्पायरेंट्स हो। आपके लिए है ये शायद मुझे बोल रहे हैं। जी हम्बल माशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच देखिए, सना मैं फॉर एस्पिरेंट थी, गिविंग अब अस नहीं योर हूँ, टाइम। थैंक यू अब सो मैं। मच। तो सना, आपके साथ हम लोग टच में रहेंगे और इंशाल्लाह मैं थैंक आपको यू सो कराची मच। कैंपस में इनवाइट करूंगी, अपने सेमिनार में आपको जरूर इनवाइट करूंगी। जब भी आपका जैसे ही आपको टाइम मिले, जब भी मिले, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम। कराची कैंपस में आप आइएगा तो फिर और मजीद गपशप करेंगे और आपका इंट्रैक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, और जरूर तब आप उनको और ज्यादा मोटिवेट करिएगा वहाँ फेस टू फेस, जो स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सना ने किस तरह से सर। क्लियर किया है सीएसएस। हम्म, सो थैंक यू सो मच श्योर, ठीक सना। है जी, ओके, लव, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर, टेक हाफिज, टेक केयर। एंड केयर एवरीबॉडी। गाइस डोंट फॉरगेट, गाइस डोंट फॉरगेट यू ज्वाइन अस आवर फिजिकल सेमिनार व्हिच वन इज हेल्ड ऑन 23rd मई संडे एट 4 PM, जो कि कैंपस में ही होगा। फिजिकल सेमिनार है, वेन्यू अल समर टावर, सेकंड फ्लोर, अपोजिट बैतुल मुकर्रम मॉल, 4 बजे। और ये फ्री एंट्री है, जस्ट वॉक इन। न्यू आवर न्यू बैच विल स्टार्ट आफ्टर ये 23rd मई। 23rd मई को हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, रेगुलर बैच है जिसके अंदर से एडमिशन ओपन हो जाएंगे ईद के फौरन बाद ही। और ये फिजिकल बैच होगा और इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन बैच भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंशन कर दिया है, आप स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, इसमें आप जो भी मजीद इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर डियर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास, हम लोग अभी आपको फिर तीन तीन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एंड LMS ऐप। LMS जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह से ऐप है जिसको आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप आईडी पासवर्ड परचेज कर सकते हैं। तो उसके अंदर पूरा कोर्स उसके अंदर हमारा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिस तरह से मैंने बताया था। और उसके साथ आपके उसके अंदर टॉप लेवल के टीचर्स हैं, सारे ही हमारे टॉप लेवल के टीचर्स हैं। और वो चैप्टर वाइज, मतलब वन बाय वन, एक एक चैप्टर करके, एक एक लेक्चर उसका चैप्टर के साथ है। और उसके सबसे मजे की बात उसके अंदर ये है कि आप एक चैप्टर करते हो, एक टॉपिक करते हो, उसके बाद फॉरन से आपको क्विज दे दिया जाता है, क्विज करने के बाद फिर आपको असाइनमेंट दे दिया जाता है। तो विद इन अ वीक आप असाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर टीचर भी अवेलेबल है हेल्प डेस्क के लिए, जो कि आपको 5 डेज इन अ वीक आपके साथ होते हैं, तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि सीएसएस की तैयारी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो आप, अगर किप्स नहीं आ सकते हो तो किप्स आपके घर आ सकता है, किप्स इवन आपके घर आ चुका है। जस्ट मोबाइल उठाइए, ऐप डाउनलोड करें LMS का, और आईडी पासवर्ड परचेज करें और आप घर बैठ के आराम से सीएसएस की तैयारी करें। पूरे 12 सब्जेक्ट उसके अंदर है, ऑप्शनल और विद कंपलसरी और ऑप्शनल। अगर जिसने कंपलसरी लेने हैं तो वो पूरे कंपलसरी भी ले सकते हैं, अगर सिंगल ऑप्शन लेने हैं तो ऑप्शनल भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों से जो भी इंक्वायरी, जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, तो आप लोगों का नंबर मेंशन कर दिया गया है, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, हाफिज।